Hello students, nice morning to all of you. This is Sugan Chaudhary. I hope all of you are feeling safe and staying indoors. Today we will start our next chapter, Christmas Gift, from our Olivia book of class 8. So there are two central characters in this story, Jim and Della. They are husband and wife. And here the chapter represents what does true love mean. So let's start our chapter. Love means sacrifice. Sacrifice means त्याग करना, किसी चीज के लिए देना. हाउ जिम एंड डेला सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर रिप्रेजेंट ट्रू लव, कि जिम और डेला एक दूसरे के लिए किस तरह से सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, वो उनके ट्रू लव को शो करते हैं. रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी. यहाँ पे क्रिसमस का जो ओकेजन है तो वो दिखाया गया है. $1.87, ये जैसे कि उनकी क्या है, करेंसी है. $1 मतलब बहुत ज़्यादा कम अमाउंट हुआ. एंड 87 सेंट्स, जैसे कि हम इंडिया के अकॉर्डिंग बोलें कि 101 रुपीज़ एंड 87 पैसा. सो पैसा मींस मतलब पैसे की वैल्यू क्या आज के टाइम में कुछ भी नहीं है. इसी तरह से 87 सेंट्स, दैट वॉज ऑल शी हैड. किसके पास? डेला के पास. उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे. एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पैनीज. एंड उसमें से जो 60 सेंट्स थे वो कैसे थे? पैनीज में थे. पैनीज का मतलब वो सिक्कों में थे. पैनी सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम बाय हेगलिंग विद द ग्रोसर एंड द वेजिटेबल मैन. जो उसने ये 87 सेंट्स को उसने सेव किया था वो किस तरह से किया था? बाय हेगलिंग. हेगलिंग का मीनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग करके, जैसे कम करवा के, कभी शॉप से कम करवा लिए, कभी सब्जी वाले से कम करवा लिए, इस तरह से. 3 times डेला काउंटेड. डेला ने उन्हें 3 बार काउंट किया. $1.87, $1.87. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. और अगले दिन क्या था? क्रिसमस था. 4 months Della had been saving every penny she could. वो पिछले काफ़ी महीनों से डेला हर एक सिंगल पैनी को वो सेव कर रही थी जितना कि वो कर सकती थी. शी हैड बिन प्लानिंग टू बाय सम नाइस क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड. क्योंकि उसे अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना था. प्रेजेंट मीन्स कुछ भी सरप्राइज, कुछ भी गिफ्ट देना था अपने हस्बैंड को. हर जिम, उसके हस्बैंड का नेम क्या था? जिम. शी लव जिम मोर देन हर लाइफ इवन. वो अपने हस्बैंड से, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करती थी. जिम अर्न्ड ओनली $20 अ वीक. अब जिम एक वीक में कितने डॉलर अर्न करता था? ओनली $20. आउट ऑफ इट $8 वेंट फॉर द रेंट ऑफ देयर फ्लैट. जिसमें से $8 वो अपने रेंट के लिए दे देते थे अपने फ्लैट पे जो रहते थे. विद द रिमेनिंग $12 दे कुड हार्डली मेक बोथ एंड्स मीट. कि जो उनके बाकी के जो $12 बच के, उसके अंदर से वो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या है? बैलेंस वंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कि किसी तरह से इनकम को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, और अपने खर्चों को किस तरह से वो उसमें अपना गुजारा करते थे. एंड विद ऑल हर पार्सिमनी. पार्सिमनी मीन्स टू मच केयरफुलनेस इन स्पेंडिंग मनी. पैसे खर्चने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना. डेला हैड बीन एबल टू सेव ओनली $1.87. तो इन सब चीज़ों के बीच में डेला सिर्फ $1.87 को ही सेव कर पाई थी क्रिसमस. इट वॉज क्रिसमस ईव एंड पुअर डेला कुड डू नथिंग बट क्राई. कि क्रिसमस की इवनिंग थी एंड जो डेला थी उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, बट शी वॉज क्राइंग. शी डिडंट नो हाउ शी कुड गेट अ गुड प्रेजेंट फॉर हर जिम. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से एक अच्छा प्रेजेंट अपने हस्बैंड के लिए ले सकती है. शी फ्लॉप डाउन ऑन द लिटल काउच एंड बिगिन टू क्राई. फ्लॉप डाउन का मतलब क्या है? फॉल डाउन मतलब वो एक तरह से काउच के ऊपर बैठ गई, एकदम से ऐसे गिर गई. एंड बिगिन टू क्राई, और वो रोने लगी, वो सोचने लगी एंड वो साथ में रोने लगी. देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर. फिर वो एकदम से खड़ी हुई मिरर के सामने. अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आइज. उसकी आइज में बहुत ज़्यादा शाइन आई. थ्रू हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर. उसका जो फेस था वो एकदम से पीला हो गया था. बिकॉज शी वॉज वेरी सैड. वो बहुत ज़्यादा उदास थी, इसलिए उसका फेस था वो एक तरह से उतरा हुआ था. रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. उसने अपने बालों को खोला और उनके जो बाल हैं वो गिर गए जितनी उसकी मैक्सिमम लेंथ थी, जैसे कि खुलने के बाद खुल गए थे उसके बाल. जिम एंड डेला हैड 2 positions इन द फैमिली. पोजिशंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है. आर्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है. बोथ ऑफ देम टुक ग्रेट प्राइड इन दीज टू थिंग्स. जिम एंड डेला दोनों के दोनों को बहुत ज़्यादा प्राउड था, बहुत ज़्यादा गर्व होता था सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर. क्या क्या थी वो दो चीज़ें?
One was जेम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंड फादर्स. मतलब एक जो उनकी वॉच थी, जिम की जो गोल्ड की वॉच थी, वो उसकी मतलब पुरानी वॉच थी जो उसके पापा पहनते थे, उसके ग्रैंड फादर, उसके दादाजी पहनते थे. तो वो एक तरह से पुश्तैनी चीज़ थी. इस चीज़ के ऊपर इसे बहुत ज़्यादा प्राइड फील होता था. एंड सेकेंड चीज़ क्या थी, द अदर वॉज डेलाज हेयर दैट रिच्ड बिलो हर नीज. एंड दूसरे क्या थे, डेला के हेयर थे जो कि उसके नीज तक आते थे, नीज से भी नीचे तक वो आते थे. जैसे कि आपने इस आप इस इमेज में भी देख पा रहे हो कि उसके काफ़ी लंबे हेयर हैं. इट फेल अबाउट हर रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक अ कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स. इट फेल हर रिपलिंग. रिपलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वेव होती है इस तरह से ऐसे मूव करना, जैसे कि कोई वाटर की वेव. मतलब उसके जो हेयर थे वो एक तरह से इस तरह से ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा अच्छे बाल थे. शाइनिंग लाइक अ कैस्केड, जैसे कि वाटरफॉल होता है, जैसे जो झरना होता है उसमें एक तरह से शाइन होती है, इस तरह से उसके इतने सुनहरे बाल थे. इट मेड हर इट सेल्फ अमाउंट ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर. ऐसे लगता था कि जैसे कोई उसने एक तरह से गारमेंट पहना हुआ है, उसी की ये ड्रेस का पार्ट है. उसे बहुत ज़्यादा अच्छे हेयर थे. क्विकली एंड नर्वसली डेला डिड हर हेयर अप अगेन. उसने जल्दी से नर्वस होकर डेला ने अपने बालों को हेयर अप का मतलब उसने अपने बालों को टाई किया. शी फाल्टर्ड फॉर अ मिनट एंड स्टूड स्टिल. फॉल्टर्ड मतलब डाउटफुल, मतलब उसे थोड़ा सा डाउट हुआ, वो थोड़ा सा चिंता में थी, वो सोच रही थी और फिर वो आराम से वहीं खड़ी रही. अ टीयर और टू ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर. एक दो आंसू जमीन पर गिरे. बट देन एट वंस शी पुट ऑन हर ब्राउन जैकेट एंड ब्राउन हैट. फिर उसने ब्राउन कलर की जैकेट डाल ली और उसने ब्राउन कलर की हैट लगा ली. शी रैन डाउन द स्टेयर्स एंड केम इन टू द स्ट्रीट. वो नीचे स्टेयर्स के से नीचे उतर के वो फटाफट से गली में भागी. विथ क्विक स्टेप्स शी हियरेड टूवर्ड्स टू द साइड ऑफ द मार्केट. फिर वो क्विकली, हियरेड का मतलब क्या है, क्विकली वो मार्केट की तरफ गई. शी स्टॉप्ड एट अ शॉप वेयर द साइन रेड. वो एक शॉप के सामने रुकी जहाँ पे लिखा हुआ था वी बाय एंड सेल हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, कि हम यहाँ पे लेते भी हैं, बाय भी करते हैं और बेचते भी हैं अच्छी क्वालिटी के हेयर सभी तरह के. एट वंस डेला स्टेप्ड इन एंड आस्क्ड विल यू बाय माय हेयर. डेला स्टेप्ड इन का मतलब वो अंदर गई और उसने पूछा कि आप मेरे बालों को खरीदेंगे. यस दैट्स व्हाट वी डील इन सेड द लेडी एट द काउंटर. लेडी ने बोला टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट. तो उसने कहा ओके आप एक बार अपनी हैट उतार के मुझे दिखाएंगे कि आपके कितने हेयर है, मतलब मुझे एक बार देखने देंगे. डाउन रिपल द ब्राउन कैस्केड. जो उसके बाल थे वो क्या हुए, नीचे गए. मतलब उन्होंने उसने अपने बाल खोल दिए एक तरह से, जो उसके ब्राउन कलर का वाटरफॉल काइंड उसके इतने अच्छे हेयर थे. $20 सेड द लेडी लिफ्टिंग द हेयर विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड. प्रैक्टिस्ड हैंड मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से, जैसे हम कहीं भी किसी सैलून पे जाते हैं तो वो एक तरह से प्रोफेशनल तरीके से बालों को सुलझाते हैं, पकड़ते हैं, इसी तरह से उसने एक प्रैक्टिस्ड हैंड से उसके बालों को ऐसे उठा के देखा. और उसके बाद उस लेडी ने कहा कि आपके बालों की क्या कॉस्ट उसने लगाई, $20. शी सेड $20. जो लेडी थी उसने उनके बालों को लिफ्ट करते हुए बोला. देन डेला रिप्लाइड गिव इट टू मी सेड डेला. डेला ने बोला ओके मुझे $20 दे दीजिए. गोन वॉज द ब्राउन कैस्केड नाउ फॉरगेट अबाउट इट. द टू आवर्स वर स्पेंट इन द सर्चिंग द स्टोर्स फॉर अ जिम प्रेजेंट. अब जो डेला थी उसने अपने बालों को क्या कर दिया, उसने कट करवा दिया था. जैसे कट कर यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है, कट करने के बाद वो ऐसी लग रही थी. एंड इसके बदले उसे कितने रुपये मिले थे, $20. उसे कितने डॉलर्स मिले थे, $20. सो अब वो सोच रही थी कि अब जो ब्राउन कलर के कैस्केड थे वो तो चले गए थे, अब उन्हें भूल जाती हूँ. एंड उसके पास सिर्फ 2 hours थे जो कि अब उसे सर्च करना था कि वो जो जेम्स के हस्बैंड उसको वो क्या प्रेजेंट गिफ्ट करेगी. एंड शी फाउंड इट एट लास्ट. और फाइनली उसे मिल गया था कि वो क्या गिफ्ट करेगी. देयर वॉज नन अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स. उसे इतनी खूबसूरत चीज़ मिली थी जो उसे किसी भी स्टोर में नहीं मिली थी. इट वॉज एन प्लैटिनम फॉब चेन. एक तरह से वो प्लैटिनम की फॉब चेन थी. फॉब चेन मीन्स अ चेन अटैच टू अ वॉच दैट इज कैरिड इन अ पॉकेट. एक तरह से पॉकेट में भी हम डालते हैं, तो जो वॉच के साथ एक चेन अटैच कर दी जाए उसे हम क्या कहेंगे, फॉब चेन. सिंपल इन डिज़ाइन, जो डिज़ाइन में बहुत सिंपल थी बट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल.
इट वॉज वर्दी ऑफ दैट वॉच, जेम्स गोल्ड वॉच. अब जो जिम थे उसके पास जो वॉच थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ थी. एज सून एज डेला सॉ इट शी न्यू इट वॉज मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स. जैसे ही डेला ने उसे देखा उस वॉच, उसके जो चेन थी उसको देखा, उसे लगा जो ये वॉच है ये सिर्फ और सिर्फ जिम की वॉच के लिए ही बनी है. उसे ऐसे फीलिंग आई और उसने ऐसे सोचा. $21 दे टुक फ्रॉम डेला फॉर द प्लैटिनम चेन. अब उस जो चेन थी उसकी वैल्यू क्या थी, $21. शी हियरेड होम विद द रिमेनिंग 87 सेंट्स. मतलब फिर वो उस चेन को उसने बाय कर लिया और वो घर पे फटाफट से आ गई थी, जो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने सेंट्स बच गए थे अब, 87 सेंट्स. व्हेन डेला रीच्ड होम हर जॉय डिसअपीयर्ड एंड शी बिकेम थॉटफुल. जब डेला घर आई तो वो वॉच भी ले आई थी, बट उससे उसकी खुशी थी वो एक तरह से गायब हो गई थी, डिसअपीयर्ड हो गई थी. एंड शी बिकेम थॉटफुल. थॉटफुल का मतलब क्या है, लॉस्ट इन डीप थॉट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना. She got out her curling iron and light the kids. उसने क्या किया, अपने बालों से मतलब जो आयरन थी उसको हटाया, उसने अपने कैप को हटाया एंड उसने अपने बालों को देखा एंड lighted the gas. जो भी मतलब एक तरह से उसने मिरर के सामने वो खड़ी होगी बालों को खोल के, मतलब अपनी कैप को उतार के. Within 40 minutes, her head was covered with the tiny close lying curls. 40 मिनट्स के अंदर, जैसे स्ट्रीम वगैरह करते हैं या फिर हमने कुछ भी लग, जैसे हम हेयर में कट, हेयर कट के बाद हम लेते हैं ना स्टीम लेते हैं या फिर हम आयरन करते हैं, तो एक तरह से गैस से रिलीज होती है. उसके बाद 40 मिनट्स के बाद जो उसके हेयर थे वो पूरी तरह से सेट हो गए थे और अब उसके छोटे छोटे क्लोज लाइन कर्ल्स का मतलब क्या है, मतलब उसकी हैवी कर्ल्स, मतलब थिक हैवी कर्ल्स वो अब निकल आई थी. शी स्टूड बिफोर द मिरर एंड लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन. वो मिरर में खड़ी हुई और उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा. विद हर कर्ल्स शी लुक लाइक अ ट्रॉन्ड स्कूल बॉय. वो अपनी कर्ल्स के साथ ऐसे लग रही थी लाइक अ ट्रॉन्ड स्कूल बॉय. ट्रॉन्ड स्कूल बॉय का, स्कूल बॉय का मतलब क्या है, अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन मतलब स्कूल से उन्हें आना पसंद नहीं होता और वो विदाउट एनी परमिशन वो स्कूल में आते ही नहीं है, वो स्कूल से दूर दूर रहते हैं. यानी कि थोड़े से मतलब जो बच्चे उदास से हैं, मतलब जिनका मन नहीं करता, उस तरह से वो लग रही थी. बिकॉज जो डेला थी वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, सो इसी तरह से वो लग रही थी. सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक का करेंगे एंड वी विल डू आवर रिमेनिंग चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच, हैव ए ब्यूटिफुल डे.